मांस खाए ते ढेड सब ओ, और मद पी में सो नीच, कुल की दुर्मति पर हर राम कहे सो ऊंच। जैसे तुम जाति मजहब धर्म कहते हैं ये नीच जाति के हैं, वो दूसरे ऊंच जाति के हैं, कहते हैं मांस खाओ वो सारे ढेड और शराब पीवे वो नीच, चाहे किसी धर्म के हैं, राम बजे सो ऊंच। आगे क्या बताते हैं, मांस भखे और मद पीवे धन वे स्यासों खाए, जुआ खेल चोरी करे वो अंत समूला जावे, मांस मांस सब एक है मुर्गी हिरनी गाय, आख्या देखी नर खात है ते नर नर के जाए, ये कुकर को भक्स है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में अमिख मेल के है नरक पड़ेंगे जाए। कहते मांस तो कुकर का आहार है कुत्ते का, और मानस खान लाएंगे मनुष्य भी इसको खाते हैं। जीव हन हिंसा कर ये प्रगट पाप सिर होए, निगम पुन ऐसे पाप ते हैं भिष्ट गया नहीं कोई, तिल भर मच्छी खाए कर और कोटि गऊ दे दाने, और कासी क्रोत ले मरियो हो तो भी नरक निदान। कहते हैं तिल भर मांस खा के और करोड़ गऊ दान कर दे, अरे काशी में क्रोत लेकर मर जियो तुम्हें तो भी नरक जाओगे। काशी में एक बहुत बड़ा आडंबर रचा था इन पाखंडियों ने, ब्राह्मणों ने, वहाँ उस समय क्या ना एक मनुष्यों के काटने का हत्था लगा दिया था, क्रोत लगा करता था कि भगवान की तरफ से आता है, बोली आत्माओं ने वो भी शीश देना वहाँ शुरू कर दिया ताकि मोक्ष हो जावे। मोक्ष तो विधि से होगा। मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, गट फोड़ा घर घर बाटा साहेब का निशान। कहते तूने जो ये मुर्गा मार दिया, गाय मार दी, परमात्मा का आदेश तेरे पास कद आया, बताओ मुझे, दिखा कोई बुक। तो क्या बताते हैं, काजी का बेटा मरा, काजी का बेटा मुआ उर्म साल तीर, साहेब सबका पिता है भला न मान वीर। कहते हैं काजी का बेटा मर गया, टक्कर मार कर रो रहा है वो काजी, और परमात्मा कहते हैं, वो कबीर साहब कहते थे भगवान सबका पिता है, बकरे और सब की उसी की आत्मा है, तो वो क्यों कर राजी होगा, उसी का बेटा काट कर उसी को भोग लगा रहे हो, अरे थरा गजब हुआ, जुल्म कर दिया तुमने। अब परमात्मा की ये लीला देख करके सिकंदर लोदी तो काफी प्रभावित हुआ, लेकिन वो ढीठ व्यक्ति नहीं माने। कुछ एक व्यक्ति परमात्मा के जो न्यूट्रल से थे, उन्होंने बुद्धिमान थे, उन्होंने परमात्मा की शरण ग्रहण भी की। अपुण्य आत्माओं, ये जितने भी धार्मिक गुरु होते हैं इनका उद्देश्य तो ये होता है कि हम अपने अनुयायियों को अच्छा मार्ग दें, इनका कल्याण करवाएं। जब स्वयं ही ज्ञान नहीं है तो कल्याण कैसे करवाओगे, औरो पंथ बतावे ही आप न जाने रा, दूसरे न मार्गदर्शन कर रहे हैं स्वयं पता नहीं, तो वो कल्याण नहीं कर पाओगे। अब देखा उन काजी और मुल्लाओं ने, भाई यू तो बात नहीं बनी, इसको कैसे मारें, कैसे खत्म करें, कैसे इसको यहाँ से भगाएं, ये हमारी रोजी रोटी का दुश्मन बन गया। अब यदि इसका प्रचार जारी रहा कबीर का, तो कुछ दिनों में हमारे पास कोई नहीं आओगा और ये सभी कबीर के साथ लग जाएंगे। उन्होंने एक स्कीम बनाई, अब उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इसको चिट्ठी डाल दो, मुल्ला और पंडित, मुसलमानों के धार्मिक गुरु और हिंदुओं के धार्मिक गुरु ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कौन है, एक जैसे किन ब्राह्मणों के विषय में परमात्मा कह रहे हैं,
ब्राह्मण का अर्थ होता है विद्वान पुरुष, गुरु, उसको गुरु को ही ब्राह्मण बोलते हैं जो दीक्षा देता है, मार्गदर्शन करता है, धार्मिक अनुष्ठान करवाता है। अब वर्तमान में ब्राह्मण, ब्राह्मणों के बहुत ज़्यादा वंशज हो गए हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे कोई वैद्य था, वैद्य और अच्छा वैद्य था, नब्ज देखकर नाड़ी पकड़ कर बीमारी बता देता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे, बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसके 5-6 संतान थी, उनके फिर आगे संतान होगी, उनके आगे संतान होगी, अब हजारों की संख्या में उसके, उस वैद्य के वंशज हो गए। वो सभी भी अपने पीछे वैद्य लिखते हैं, वो सभी भी सब अपने अपने सरनेम बना लिया उन्होंने कि वो फलाना राम वैद्य, फलाना राम वैद्य, हैं तेलू राम वैद्य, जबकि वो वैद्य नहीं है। वो ना जानते पेट के दर्द की दवाई भी, और लिखते हैं वैद्य, तो वो वैद्य नहीं है। बेशक लिखे रहो। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण थे पहले वाले, जो ब्राह्मण थे वो इनके वर्तमान के जो ब्राह्मणों के पूर्वज, वो ब्राह्मण करते थे अपना ब्राह्मण वाला कार्य, और वर्तमान के ब्राह्मण नहीं है ये, वैसे नाम लिख रहे हैं। तो उनको कहा परमात्मा ने, उन ब्राह्मणों ने और मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने सलाह करके सब ने चिट्ठी डाल दी, चिट्ठी डाल दी कि अभी कबीर भंडारा करेगा, और वो 3 दिन भंडारा चलेगा, और प्रत्येक दिन भोजन के बाद एक दोहर देगा, एक असरफी सोने की दान करेगा। अब ये जितने भी मंडलेश्वर थे हिंदू धर्म के, और जितने भी पंथ थे, वो सब के पास चिट्ठी भेज दी खूब दूर दूर तक। अब ये महंत संत मंडलेश्वर ये लालची बहुत होते हैं। अब उन्होंने देखा चिट्ठी में कि भाई एक तो दौर मिलेगी, दौर समझ लो बहुत अच्छा एक कंबल होता था, आजकल ये विदेशी कंबल आते हैं ना, ऐसे मोटे मोटे बढ़िया बढ़िया, इतनी अच्छी क्वालिटी होती थी दौर की, और असरफी सोने की, एक असरफी आज मेरे ख्याल में 20,000 की हो, उसमें उसकी ये कीमत समझ लो, एक असरफी डेली एक आदमी खाना खाओ उसके साथ, दोहर देगा साथ में एक कंबल देगा, और कंबल की कीमत भी उसमें 15-20-50 रुपए होती थी। तो सभी ने अपने सेस भी साथ ले लिए, जैसे एक डेरे का महंत है और उसके 20 अनुयायी हैं, चेले हैं, वह भी साथ ले लिए, चलो प्रत्येक को एक एक असरफी मिल जाएगी, एक एक दोहर मिल जाएगी, लूट कर ले आएंगे माल। इस दृष्टिकोण से वहां 18,00,000 ये संत इकट्ठे हो गए, उनके चेले, सब पंथों के गिरी पुरी ये सब नागेर नंगेर सब आ गए। उधर से एक चिट्ठी भेज दी वहां काशी से सिकंदर लोधी के पास कि ये भी आ जाओ बनारस में, और ये पाओगा नहीं, भाग जाएगा इसका गुरु, क्योंकि सिकंदर लोधी ने, जैसा कल आपको बताया था, सिकंदर लोधी ने कबीर परमेश्वर को अपना गुरु बना लिया था, क्योंकि सिकंदर लोधी के एक भयंकर जलन का रोग था, वो किसी भी औषधि से किसी भी संत से ठीक नहीं हो रहा था, सभी ने ये कह दिया था ये तेरे कर्म का भोग है, तेरे प्रहार में लिखा राजन, ये तो भोगे पार पड़ेगी, और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गया था। और उधर से एक गाय को खुद आप काटा था उसने, उसका कत्ल किया था परमेश्वर ने, गाय और बच्चे को जीवित कर दिया था। और महर्षि रामानंद जी जो वहां काशी के एक नंबर के विद्वान थे, माने जाते थे, उनकी वो मुसलमानों से विरोध करते थे, इसलिए सिकंदर लोधी ने उस रामानंद जी की गर्दन काट दी थी, और कबीर परमेश्वर ने उनके सामने उसको जीवित कर दिया था। इस तरह के शक्ति देख भगवान की सिकंदर लोधी नतमस्तक हो गया था कबीर जी के साथ, और कबीर जी को अपना
गुरु मानता था। अब इस बात से वो पीर जो है शेख तकी दुखी हो रहा था कि किसी प्रकार इस कबीर ने या तो मारूं और या यो इसके नीचा दिखाऊं सिकंदर लोदी की नजरों में, और सिकंदर लोदी इससे दूर हो, मेरी महिमा बनी रहे। इस दृष्टिकोण से एक पत्र भेज दिया, सिकंदर लोदी के पास भिजवा दिया शेख तकी ने मिलजुल कर। उसमें लिखा था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं और 3 दिन भंडारा चलेगा, इस दिन ये शुरू होगा। तो शेख तकी के पास वो चिट्ठी तो उसकी लिखवाई हुई थी, लेकर गया कि राजन आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं बनारस में, चलोगे? अब सिकंदर बोला भाई जरूर चलूँगा, जब मेरे गुरुजी का आदेश आ गया था अवश्य चलेंगे। और चलो सैनिकों, बॉडीगार्ड ले लिए, 1500 की संख्या में चढ़ के हाथी पर चल पड़े, पहुंच गए निश्चित दिन। अब वहां क्या था कि जिस दिन वो लिखा हुआ था कि इस दिन स्टार्ट होगा, तो रात ने पहुंच लिए वह पेट भर, रात को पहुंच गए सब सुन, तो 18 लाख व्यक्ति पूरी बनारस में काशी में, बंदा बंदा दिखा, आदमी आदमी खड़े संत, परमात्मा कबीर जी और संत रविदास जी ये ज़्यादातर इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि रविदास जी ने कबीर परमेश्वर को पहचान लिया था कि ये समर्थ शक्ति है, पूरे विद्वान है, फिर भी हम जीव संज्ञा में हैं। सुबह सुबह रविदास जी सैर सपट्टे को निकले फ्रेश होने के लिए, उसने बाहर देखा, जहाँ देखा वहीं पर साधु संत खड़े हैं ये। तो उसने पूछा, रविदास जी ने पूछा, भाई महापुरुषो आज कैसे आना हुआ बनारस में? तो और साधु संत कहने लगे, काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं? अरे यहाँ तो बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है। और रविदास जी ने पूछा, भाई कौन कर रहा है, हमें तो ज्ञान नहीं, कि कबीर कर रहा है, दुलाहा कबीर, ये देखो हमारे पास चिट्ठी है। अब रविदास जी तो जान गए भाई ये नया आडंबर है उन पाखंडियों का, हमारे गुरुदेव को दुखी करने के लिए। अब रविदास जी कित के फ्रेश होने जा थे, वापस आ गए। वापस आके कहा कबीर जी से कि हे भगवान, आज तो अपना काशी वास छूटेगा, बहुत बुरा हाल हो गया हमारे साथ, तो बहुत जुल्म कर दिया इन लोगों ने। कबीर जी बोले, क्या हो गया भक्त, क्या हो गया महात्मा? रविदास जी ने कहा कि आपके नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है कि कबीर भंडारा करेगा 3 दिन और दोहर देगा, ऊपर असर भी दक्षिणा में देगा 3 दिन तक, और जलेबी लड्डू कचौड़ी पूरी हैं, हर तरह के कहते हैं सब प्रकार की मिठाई खिलाई जाएगी। और इस लालच में पूरी दुनिया आ गई है, लाखों लोग इकट्ठे हो गए, भगवान अब क्या करेंगे? परमात्मा बोले, रविदास जी बैठ जा, आ जा, अंदर से कुंडी ला ले, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, और भाई आप रखेगा भगवान अपनी इज्जत, हम तो उसके आश्रय बैठे हैं। रविदास जी भी बैठ गए, कबीर साहब भी बैठे अंदर, और कहने लगे बच माला जप अपने भगवान की। कबीर जी भी बैठ गए, वो भी लीला करें थे परमात्मा। उधर से सिकंदर लोधी भी पहुंच गए वहाँ, और उधर से परमात्मा ने डबल रोल किया, कबीर परमेश्वर ने सचखंड पहुंचे, सतलोक जाकर के कहा कि 9 लाख बैल और उनके ऊपर सुंदर आहार सब पर भर दो, सूखा सीधा चून चावल खांड या सूखी और बने बनाए पकवान, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवा खीर और बरके, एक केसो नाम का बंजारा बनके, केसो नाम रख लिया अपना एक बंजारा। बंजारा होते थे पहले व्यापारी लोगों को, बंजारा जो बणज करते थे, व्यापार करते थे व्यापारी, पहले बंजारे किन को कहते थे, बैलों के ऊपर सामान लाद कर एक मार्केट से दूसरे शहर की मार्केट में ले जाते थे,
उस समय यह ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ना कोई सड़कें थी, ऐसे ही जंगलों में से बैलों के ऊपर लेकर चलते थे। किसी क्षेत्र से गुड़ भर लाए, दूसरे में तो बाजरा, तीसरे तो ऐसे गेहूं, ऐसे वो व्यापार किया करते थे। उनको बंजारे बोलते थे और वो कई हजारों की संख्या में इकट्ठे ही चलते थे, नहीं तो बीच में लूटा खसोटी करनी भी बहुत होते थे। अब वहां बनारस के काशी शहर में तंबू ताड़ दिए, तंबू लगा दिए, टेंट सुंदर सफेद और नीचे सफेद मलमल बिछा के, उनका ऊपर कहते हैं जलेबियां का ढेर ला दिया एक टेंट में, एक टेंट में लड्डू भर दिए न फूल बड़े बड़े, हर एक में हलवे की डेग के डेग भरे, किसी में खीर, यानी पूरे पकवान पके पकाए न कति गर्मा गर्म, और एक टेंट में केसो रूप धार के भगवान बैठ गए उस केसो बंजारे के रूप में, और भंडारा शुरू कर दिया मंगलाचरण बोल के। अब सिकंदर लोधी आया और शेख तकी तो न्यू आया था उसके साथ में, आज सिकंदर लोधी से पूछूंगा कहाँ गया तेरा अल्लाह, तू कबीर न्यू कह था तो भगवान पड़ा है, भगवान है। वहां देखा जो जहां देखे वहां भंडारा चलन लग रहा, खावे जलेबी कचौड़ी नौकरे, वह कबीर जैसा भंडारा हमने नहीं देखा आज तक, ओहो ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना, जो भोजन खाओ तो गुण गावे। अब शेख तकी ने देखा रे तेरा गजब हो, ये तो भाई भंडारा ला रखा, उसकी तो माँ सी मरगी पेट पकड़ के बैठ गया, अगर तेरा गजब हो तो यहाँ भी भंडारा ला दिया इसने, भाग्या को नहीं। उनका उनकी उद्देश्य ये था कि बनारस छोड़कर भाग जाएगा, लज्जित होकर फिर कभी नहीं आएगा और तुम्हारी दाल गली रह जाएगी। अब सिकंदर लोधी ने पूछा भाई ये भंडारा कौन कर रहा है, तो सभी कह रहे हैं कबीर जुलाहा कबीर का भंडारा है, क्यों वो खाओ न चिट्ठी उन थोड़ा बेरा था, एक मजदूर है या कोई सेठ है, उन तो फिर सेठ है दिखा था तो पीछे भंडारे ला रखे। फिर एक कहने लगा कि हमें तो पता नहीं इस टेंट में बैठा है कोई, वो सब व्यवस्था कर रहा है। जब सिकंदर लोधी वहाँ पूछा, प्रणाम किया, आप कौन हैं, आप कबीर जी के क्या लगते हो, तो परमात्मा ने केशव रूप में क्या उत्तर दिया। अब केशव रूप में बैठे प्रभु ने कहा कि मैं कबीर जी का पगड़ी बदल यार हूँ, मेरा फ्रेंड है वो, मेरा मित्र है। और एक पत्र मेरे पास गया था उनका कि एक छोटा सा भंडारा करना है, 3 दिन का कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश अनुसार ये दास ये सामान लेकर हाजिर है। अब वहाँ वो सुन रहे थे अन्य व्यक्ति, रत्तरा गजब हो, ये तो इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं जिसमें 18 लाख व्यक्ति भोजन पा रहे हैं। अब पुण्यात्माओं एक बरात आती है, 100 व्यक्ति मुश्किल से आते हैं उसमें, और 1 महीने पहले व्यवस्था शुरू हो जाती है, कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, लड्डू जलेबी कहीं पूरे ना रहें, घर वालों को बाद में आदेश देते हैं खाना खाने के पहले बरात को खा लेने दो, कहीं कम ना पड़ जाए। और वहाँ 18 लाख व्यक्ति और खावे लड्डू जलेबी, जय जयकार करें कबीर की, और शेख तकी के छींटे लगे तेल की तरह, वो जले बैठा बैठा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए यहाँ पर, तो वो केशव रूप में कहने लगा, केशव बोला उनका दास जो बैठा है उनको आने की क्या आवश्यकता है, कहाँ है कबीर जी। सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो अपने घर पे विश्राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का, हमें संकेत कर रहे हैं परमात्मा के तुम मुझ पर इस तरह आश्रित हो जाना फिर मैं दूर नहीं बचो। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठा हुआ, साथ में कुछ अंगरक्षक, और वहां पहुंच गया कबीर जी की झोपड़ी पे। वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया और कहा कबीर जी दरवाजा खोलो, कबीर जी दरवाजा खोलो, मैं आपका दास सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा आया है।
अंदर से ही परमात्मा कबीर जी ने कहा कि राजन हम आज बाहर नहीं निकलेंगे, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत जुल्म गुजार दिए हैं, बहुत जुल्म किए हैं, आज इन्होंने हमारे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर मेरे को लज्जित करने के लिए मुझ गरीब को दुखी किया है, और बहुत व्यक्ति 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए हैं, मैं आज दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, रात्रि को अपने बच्चों को लेकर के, अपने माता पिता को, परिवार को लेकर के मैं कहीं दूर देश चला जाऊँगा। सिकंदर लोधी कहने लगा, प्रभु आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, हे परमात्मा आप चलकर देखो आपने क्या रंग लगा रखे हैं, पूरी जय जयकार हो रही है और सभी हलवा पूरी खीर कचौड़ी लड्डू जलेबी चंगेर और खा रहे हैं, हे परमात्मा आपने तो रंग लगा रखे हैं, दरवाज़ा खोलो प्रभु, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता, ये तो भोली आत्मा है जो आपका विरोध कर रही है, नालायक हैं ये। काफ़ी आग्रह करने पर जो परमेश्वर ने कहा कि खोल दे रविदास दरवाज़ा, खोल दरवाज़ा खोल दिया रविदास जी ने, और दंडवत प्रणाम किया उस दिल्ली के बादशाह ने, मुकुट समेत नो का नो, कहने लगे परमेश्वर तेरी लीला को कोई नहीं जान सकता, एक बार दर्शन दे दो, संगत आपका इंतजार कर रही है, देख रहे हैं कौन है वो कबीर जिसने ऐसा मोहन भोजन खिलाया है, आपके दर्शन के ललायित हैं, वो इच्छुक हैं, एक बार दर्शन दो प्रभु। तब परमात्मा कबीर जी झोपड़ी से बाहर आए, आकाश से फूल बरसे, सुगंधित फूल परमात्मा के ऊपर फूल बरसने लगे, बोलो सतगुरुदेव, सिकंदर लोधी ने जब कबीर जी झोंपड़ी से बाहर आए तो रविदास जी चंवर लेकर के आदर सत्कार से उनका सम्मान कर रहे थे कबीर जी का। सिकंदर लोधी ने कहा कि भगत जी ये चंवर मुझे दे दो, आप तो रोज सेवा करते हो भगवान की, आज मैं कुछ सेवा कर लूं। सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया और उस परमेश्वर पर कबीर जी पर चौर कर रहे हैं, और हाथी पर बैठा लिए, हाथी पर एक कमरा सा बना हुआ होता उसको अंबारी बोलते हैं, उस रूम के उस कमरे के उस खोखे के चारों तरफ के दरवाजे ऊपर नठा दिए, खोल दिए खिड़की, और परमात्मा को बीच में बैठा लिया, रविदास भी सिकंदर भी और परमात्मा कबीर जी। सिकंदर जी चौर कर रहे हैं हाथी पर पीछे बैठे बैठे अपने भगवान कबीर जी पे, और चारों तरफ से खुला है वो कमरा और हाथी चल पड़ा, और जब पहुंचा वहाँ भंडारा जहाँ हो रहा था, सब देख रहे हैं कौन है कबीर, कि ये है कबीर, काशी वाले तो जानते थे कि ये है कबीर, और ये पीछे राजा इस पे चवर कर रहा है, अरे ये है कबीर, राजा भी क्योंकि आम व्यक्ति जनसाधारण तो राजा ने पता नहीं के मानता है, और राजा जिसकी सेवा करे फिर प्रभावित होना स्वाभाविक है, तो फिर परमात्मा पूरे मेड़े में घूम गए और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, चल रहे हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं कि बड़ा भोजन भंडारा दिया, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की, सारे जय जयकार होगी। फिर जिसमें वो केशव बैठा था, केशव ने एक अपना साथी भेजा, अपना सेवक, के परमात्मा को यहाँ बुला लाओ। वो सेवक गया, कर जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान कबीर जी आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तब सिख परमात्मा ने कहा कि चलो हम चलते हैं। हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी, परमेश्वर कबीर जी और रविदास जी उस टेंट में पहुंच गए जहाँ केशव रूप में प्रभु डबल रोल में विराजमान थे। वहां अपने आप देखते देखते एक सुंदर तकत लग गया, उसके ऊपर सुंदर बहुत गद्दा बिछ गया, अपने आप एक सुंदर कपड़ा उसके ऊपर चद्दर बिछ गई सतलोक तक आके, और एक तकत पे वो विराजमान था केशव, और केशव खड़ा हुआ, प्रभु के चरण छूने चाहे, परमात्मा ने हाथ ऊपर करके सीने से लगा लिया।
एक तख्त पर इस साइड में परमात्मा बैठ गए, इस साइड में केशव, सामने सिकंदर लोदी और नीचे उस टेंट के सब पर्दे खोल दिए। अब जनता ने खाना खा करके फिर वहां बैठ की चारों तरफ आकर देखने लगे। कहते हैं 8 पहर तक 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग किया, खड़ा होकर के मालिक ने प्रवचन किए। मालिक की वाणी आवाज इतनी तेज थी कि लाउड स्पीकर की भी आवश्यकता नहीं, वो तो परमेश्वर थे। बहुत ज्ञान दिया, समझाया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम एक परम पिता के बच्चे हो, तुम्हें ये मिसगाइड कर रहे हैं, ये नकली व्यक्ति। ऐसे 24 घंटे तक आपस में वार्ता हुई। केशव प्रश्न करता है, कबीर जी उत्तर देते हैं, यानी ऐसे उन्होंने डबल रोल करके अपनी प्यारी आत्माओं को सत संदेश दिया। अब 3 दिन भंडारा चला, ऐसे ही प्रत्येक खाने के उपरांत सबको एक दोहर एक असरफी और डेली दी जा रही है सतलोक से। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ का नहीं था भाई, ये माल तो सतलोक आया था, वहीं से ये आत्मा आई थी बैल बनकर प्यारी आत्माएं, और वहीं से उनके साथ और सेवक आए थे जो खाना खिला रहे थे, सतलोक के वो हंस आए थे। तो फिर क्या हुआ कि तीसरे दिन जब भोग लग गया, समापन हुआ भंडारे का, सारा सामान लपेट के बैलों के ऊपर रख के और बैल चलते कर दिए। अब गंगा को पार कर दिया, गंगा तो भरी चला थी बहुत ऊपर तक, और जब वो बैल उसमें निकलने लगे तो एकदम एक एक फुट पानी रह गया गंगा का, और सभी जब जा लिए दूर, उसे बाहर निकल गए परली साइड में, 9 लाख बैल कितने हो विचार करो पुण्यात्माओं, क्योंकि 18 लाख आदमियों का भोजन चाहिए था, और वो भी 3 दिन और 2-2, 3-3 टाइम खुला भंडारा, चाहे कितनी वह खाओ, इतना सामान लाए थे। तो जब वो बंजारे जो उसके साथ आए हुए थे सतलोक की आत्माएं, और वो बैल जब गंगा पार कर चुके, उसमें केवल केशव कबीर जी, रविदास जी और सिकंदर लोदी शेख तकी और काशी के कुछ लोग शेष थे। तब सिकंदर लोदी ने देखा कि वो कहाँ गए बंजारे और के बैल, क्योंकि उधर देखा कहीं भी दिखाई ना दिए एक ही पलक में। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा जहां से आए थे वहां गए, वो देखते ही रह गए, क्योंकि 9 लाख बैल तो पूरे क्षेत्र को घेर कर चलते हैं, अगर चलना पड़े तो बहुत दूर तक दिखाई दे, धूल ही उड़ है, वहां कुछ भी नहीं था। परमेश्वर कबीर जी ने कहा वो तो वहीं गए जहां से आए थे। कहां से आए थे परवरदिगार, सिकंदर जी ने पूछा। परमेश्वर ने कहा हमारे सतलोक से आए थे। इतने में क्या होता है कि परमात्मा ने कहा केशव से कि जाओ आपका बेड़ा दूर जा चुका है। इतना कहते ही केशव न्यू का न्यू कबीर जी में समा गया, उनके सामने देखते देखते दोनों एक हो गए। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने यह प्रमाण दिया था, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। अब परमात्मा परमेश्वर जी एक लीला करके दिखाते थे कि तुम मेरी साधना करो, मुझ पर विश्वास रखो, इस माया जोड़न के चक्कर में बच्चों पाप ना कमाओ, पाप इकट्ठे मत करो। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, कर पूजा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। परमात्मा कहा करते कहते हैं कि तू खाम खा कल्पित रहता है, कदे न्यू ना हो है, यूं ना हो जा, कर चिंता ना करे, तू मेरी भक्ति करता रहे, मैं बताऊं ऐसे लगा रहे, और फिर देखना मैं तेरे साथ, फिर मेरे हाथ देखना तू क्या करूँगा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, पूजा निकाम, बगैर किसी इच्छा के, बिना किसी मांगे तू भक्ति करता रहे, फिर देखना
अब पुण्यात्माओं, आप जी ने कल पढ़ा था कबीर सागर में क्या कहा था कि कबीर परमेश्वर ने कहा था कि संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रगटे मम सोई, और फिर बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को झावे, 12वें पंथ हमी चलावे, सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। तो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। उस 1774 संवत 1774 में परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी का जन्म हरियाणा प्रांत जिला झज्जर छुडानी गांव में हुआ था। इसी के विषय में प्रमाण है कि फिर उसके माध्यम से मेरी वाणी प्रकट होगी, मेरी महिमा की, मेरी लीला की यथार्थ वाणी वो प्रकट करेगा मेरा बच्चा। और फिर आगे, लेकिन वो जो उसके अनुयायी होंगे, उस 12 पंथों के अनुयायी होंगे, जब तक मैं दोबारा नहीं आऊँगा तब तक वो मेरी वाणी का आप पे अर्थ उलट सुट लगा रहे होंगे, यथार्थ ज्ञान उनके पास नहीं होगा। फिर 12वें पंथ हम ही चल आवें और फिर सब पंथ मिटा के एक पंथ लावा। अब परमात्मा स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया अपना निर्मल ज्ञान दे के। अब जैसे प्रधानमंत्री यहाँ ना आवे, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे हिसार में, तो उसके पास पावर प्रधानमंत्री की होती है, जो वो कहेगा वही होगा। तो ये दास उस परमेश्वर का नौकर यहाँ भेज दिया गया, उनके द्वारा, कबीर जी से द्वारा, आपके हित के लिए। तो वो लीला, वो वाणी क्या प्रकट हुई, गरीबदास जी ने निर्णय करके दर रखा है परमेश्वर की महिमा का। मसलत करी सिमटे भेख इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही गरीबदास चट्ठा फिरा वो जम्बू दीप सब ठाही। हिंदुस्तान को जम्बू दीप कहा करते थे कि भारतवर्ष में सब जगह ये चट्ठा फेर दिया। पंडित और काजी सब न मिलकर एक सलाह कर ली कि दुश्मन न खत्म करो, किसी तरह थारी अपनी रोजी रोटी खत्म होगी, यूं ना चलने दे हमारे दाल रोटी के सौदे, क्योंकि इनका उद्देश्य रोजी रोटी होता है। जिनके पास भगवान की शक्ति भक्ति नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर कर आगे अपने पीछे लाए रखे, फिर कितने दिन चलेगी वह, कब तक निभाएगी। एक पंडित जी काशी पटकाया विद्यापीठ, और राजा ने इन अनुष्ठान करवाना था, किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आप चार पांच पंडितों से अपना कोई अनुष्ठान करवाओ। उसने मंत्री की ड्यूटी लाई, मंत्री ने ढूंढा भी कोई बढ़िया सा कोई अच्छा विद्वान पुरुष हो, पता चला कि एक काशी विद्यापीठ पढ़कर पंडित जी आ रहे हैं, वो बुलाया। फिर उसने 5 फॉर्मेलिटी भी करनी थी, पूरे 5 तो होने चाहिए जब ना राजा नाराज हो जाओ। तो वो क्या करा, पहले एक से शुरू कराया, उसको एक असर फिर रोज दे देते जो वर्तमान में 15,000-20,000 रुपये की होगी। एक असर फिर डेली दक्षिणा मिलती तो वो घर आता, सामान लाता, कि तो अपनी पत्नी की साड़ी लाया, कि तो सैंडल लाया, कि तो कपड़े बनवा दिए बढ़िया, तो वह पहन के नए नए कपड़े और पानी लेने कुएं पर जावे, वहाँ जकर चाला औरतों में, बहन तो कहाँ से लाए इतना धन। वो कहती है मेरा पति ना काशी विद्यापीठ पढ़काया है, राजा का पाठ करने जाया करे, रोज एक असर फी मिलती है। तो दूसरी पंडिता, क्यों पंडिता के कुएं पर पंडितानी जावे इकट्ठी होकर, दूसरी पंडितानी ने सोचा भाई देखिए तो बड़ा धन कमावे है, तेरा पति क्यों नहीं जाता। उसने अपने पति से कहा कि आप भी जाओ, ऐसे ऐसे वहां दक्षिणा मिलती है। वो कहने लगा कि मैं कैसे जा सकता हूं, वो तो काशी पढ़ा हुआ विद्वान है और मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। वह उसके साथ झगड़ा करने लगी, तू तेने बात बनाया करे है, टाइम आवा जब तू ऐसे करता है ये। उसने सोचा यार रोज लड़ेगी, चल देखी जाएगी। वो लेकर अपना पोथी सी पहुंच गया और कहा वजीर जी मैं भी पंडित हूँ, हकाजा पंडित जी बैठ जा तू भी। वो एक तरफ अनुष्ठान करा दिया करते, ना राजा जाया करता ना मंत्री की, लागे रहेंगे अपना, चल ध्यान 5 रुपये एक असर भी दे दे, ऐसा था व्यवस्था पहले, क्योंकि ये नकली काम, इसे नकली काम कराया करें। तो जो विद्या काशी पढ़ के आया था विद्वान संस्कृत का गया था, वो भी बैठा,
उसके साथ में वो दूसरा बैठा दिया। अब वो अपना मंत्र बोलता संस्कृत में, संस्कृत बोलकर भूर भव स्व स्वाहा, और वो दूसरा बैठ कर यूँ करने लग गया जो यू कह वो स्वाहा, कि उसने बोलना नहीं आवे कुछ भी। फिर तीसरा ऐसे ही एक तीसरी की पत्नी को पता चला, उसने अपना श्रृंगार दिया कि तू भी क्यों नहीं जाता, वो भी जा बैठा। अब वो भी बैठा दिया, वो पहला कहता है भूर भव स्व स्वाहा, दूसरा कहे जो यूं कहो वह स्वाहा, तीसरा कहे जम बन दे जब तक, कब तक जम भगी स्वाहा, अकबर कब तक बात बनेगी, या तो एक दिन पोल खुल लगी और पिटाई भी बनेगी। अब चौथा और बैठा दिया, चौथा और आ गया, वो भी बैठा दिया। अब पहला कहता है अपना संस्कृत बोल कर जो शब्द है भूर भव स्व स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूं कहो वह स्वाहा, तीसरा कह भाई कब तक निम्भागी स्वाहा, दूसरा चौथा कह है निम्बण दे जब तक निम्भागी स्वाहा, अगर जब तक निम्भा इतने तो पैसे मिल ही रहे हैं चलने दो। तो ये नकली संत पंथ देखे है कि निम्बण दे जितने निम्भा इतने स्वाहा। ये सभी इकट्ठे होकर के सोचा कि इसकी रान इसने कितना टंटा काटो, यो मारे तो बिना मरता, क्योंकि कबीर जी को मारने के लिए उन दुष्टों ने हर प्रयत्न किया। एक बार जहरे कुएं में डाल दिए, सिकंदर लोदी के पास कबीर जी आए हुए थे, वो बहुत सम्मान करता था राजा। उन्होंने क्या किया, सकीम करी शेख तकी ने सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिए, आगे 2-3-4 हज़ार की संख्या में, और कहने लगे राजा तू काफिर का शेष बन गया है, हम तेरी बगावत करते हैं ये, या हम इसकी परीक्षा लेंगे तब हम इसको मानेंगे। सिकंदर लोदी ने शेख तकी अपना पीर बुला लिया, 5-10 व्यक्ति और बुला लिए, भाई तुम शांति रहो, बात बताओ क्या है, शांति करो। तो उन्होंने कहा कि आप कबीर जी के, सब मुसलमान धर्म में ये बात फैल गई है कि तू काफिर का शेष हो गया है, उस काफिर को तूने अपने घर बैठा रखा है, उसको बाहर निकाल, नहीं तो हम, या हमें परीक्षा दे हमारे सामने, वो भगवान है अल्लाह है तो हम उसकी परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लोगे, कि एक सरसों के तेल का कढ़ाई में उस तेल को उबाल कर उसमें डालेंगे कबीर जी को, अगर ये मर गया तो कटा टंटा, और नहीं मरा तो हम सभी इसके अनुयायी हो जाएंगे, अल्लाह मान लेंगे। अब सिकंदर लोदी चिंतित हो गया, अभी मेहमान रूप में आए हुए हैं, राज देख के बुंडी बन गई, अब जनता के सामने पर राजा फेल हो जाता है। उसने कहा बेट, वो गया कबीर जी के पास, कबीर परमेश्वर जो दूसरे कमरे में विराजमान थे सिकंदर लोधी के राजमहल में, तो अंतर्यामी कबीर जी ने पूछा कि क्या बात राजन, बड़े उदास नजर आ रहे हो। सिकंदर लोधी ने कहा राजन, ये मेरा जो धार्मिक गुरु है ये पीर जी, यो मेरा सिर का दर्द है, ये कोई ना कोई पंगा मेरी जान में पाए रखा है जब से मैं आपकी शरण ग्रहण की है। अब इसने ये सकीम करी है, प्रभु मैं अपने मुख से कैसे कह सकता हूँ। परमात्मा बोले उन्हें कह दे तू जाके कि कढ़ाई उबालने तेल का, कोई बात नहीं राजा, मेरा तो एक दिन जीवन जाना ही जाना है, पर आपका राज्य बच जाएगा। कह दिया सिकंदर लोदी ने कि भाई कर लो तैयार। सिकंदर लोदी को तो पता था कि ये कोई और शक्ति है, ये अज्ञानी नहीं समझ पा रहे, पर कैसे समझाऊं। अब कढ़ाई का तला लक्कड़ बाड़ दिए, बुड्ढा चूल्हा बना कर शेख तकी ने नो कहा और उबाल दो, और उबाल दो, नो जैसे चाय उबाला कर नो उबड़क तेल कढ़ाया, कढ़ाई में तेल, कबीर जी को बुलाओ, लाओ उसको पकड़ के डाल दो इसमें। कबीर जी बोले इतने भी परेशान ना हो, मैं आप ही बैठ जाता हूँ, आप तंग ना पाओ। परमात्मा उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में प्रवेश कर गए और बैठ गए, इतनी गर्दन भार है आराम से बैठे हैं, कोई उसमें परमात्मा को दुख नहीं। अब शेख तकी कहता है अरे इसने तो तेल की तासीर मंत्र से ठंडी कर दी, तेल ठंडा हो गया है। अब सिकंदर लोदी ने सोचा देखो उंगली देखे सचमुच कहीं ठंडा हो गया हो। परमात्मा बोले राजन उंगली मत देना इसमें, कदे इन मूर्खांगे कहन तांगली फूक जुड़वा ले, ये कत्ती बहुत जबरदस्त उबल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें फारेनहाइट हो रहा है। पर राजा के ना जची कबीर जी ना जलते, तू के तेरे उंगली में के बिजली गिरेगी, वह उंगली दे दी मना करते करते।
जितनी उंगली तेल में गई थी कट के अलग होगी, बेहोश होकर चक्कर खा के पड़ गया वो सिकंदर लोदी। परमात्मा बाहर आए, अकी इस नबी मारेंगे नालायक। सिकंदर लोधी को छीटे छाटे मार कर जीवित होश में लाए, वो पीड़ा से फिर मूर्छित हो गए, फिर होश में लाए, फिर पीड़ा से मूर्छित हो गए। तब परमात्मा ने पकड़ के वह उंगली पूरी कर दी, जख्म भी नहीं रहा और उंगली कटी हुई नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव। अब सारे चले गए जो पुण्यात्मा थी, कुछ एक ने तो कबीर जी का नाम ले लिया हजारों की संख्या में, और बाकी जो ये शेख तकी की मंडली थी वो तो मान बढ़ाई के भूखे भगवान आ जा तब भी नहीं मानते, इसे पाप आत्मा बन जाते हैं जो थोड़ी सी मेहनताई प्राप्त करके। और ये पता नहीं कल मर जाएंगे, परसों क्या होगा तेरा, और जिसको ढूंढ रहे हैं वो सामने खड़ा है और फिर भी नहीं पहचान पा रहे, इतने कर्महीन हो जाते हैं। कहते हैं राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और जब तक ये नहीं तजेंगे इतने भगवान नहीं मिल सकता। अब फिर सोचा दो चार दस दिन के बाद शेख तकी ने कि भाई नहीं मरिया दुश्मन तय, फिर आगे कुठे होकर को सबने कहने लगे जी वो तो तेल ठंडा कर दिया था, ये जादू जंतर जानता है, अब इसकी एक परीक्षा और लेंगे। क्या लेंगे? कि इसको झेरे कुएं में, खराब कुआ, बहुत गहरे होते थे 200-150 फुट नीचे गहरे कुएं खोदा करते थे पहले जल प्राप्ति के लिए, वो झेरा कुआ होता जिसमें नीचे एक गड्ढा और एक्स्ट्रा बन जाता है पानी से, उसका कोई पता नहीं कितना गहरा है वो, और उसमें जल नहीं रहता इतना, वो कंडम होता खराब होता है। कहते उसमें डाल के और ऊपर तक कांकर पत्थर भरांगे। परमात्मा बोले चलो भाई तुम अपना काम कर लो, ले चलो। अब ले गए उसमें डाल के ऊपर तो पटक दिया, पर दुष्टों ने क्रोधित हो गए और ऊपर से काकर माटी पत्थर खंगर छड़े कांटेदार झाड़ी दाब कर फूल कर दिया, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी आता फिर सिकंदर लोदी के पास, कहने लगे कहाँ है तेरा वो शेर, कहाँ वो तेरा अल्लाह खुदा, उसका कर दिया काम तमाम। अब शेख सिकंदर लोदी कहने लगा पीर जी किसके विषय में बात कर रहे हो कि तेरे कबीर अल्लाह के बारे में, आज वो दबा दिया मिट्टी में। सिकंदर लोदी बोला वो बैठा कमरे में, चाल दिखाऊं। परमात्मा वहां विराजमान थे और शेख तकी नो देख आ गया उल्टा, यू नहीं मरा भाई बड़ा काम मिले तो, ऐसे दुष्ट तेरा भगवान आ रहा और उसके साथ ऐसे दुष्टता कर रहे हो पापियो, तो ये लोग हैं जो मानवता के शत्रु होते हैं, ये ना मानने और ना मानने दें दूसरे ने। तो जब तक इनकी दाल गल गई, क्योंकि अशिक्षित समाज था, अब शिक्षित समाज है पूरे विश्व में कबीर जी का बोलबाला होगा। तो इन्होंने ये सोचा था कि कबीर जी ना तो मारे तो मर रहा, इसके साथ ऐसी अनहोनी कर दी शर्मिंदा लज्जित होकर भाग जाते। तो वो वाणी प्रकट करी गरीबदास साहेब ने, कलम तोड़ रखी है कबीर भगवान की महिमा गाने में। अब ये 10 मिनट आपको वाणी सुनाते हैं, वो जो परमेश्वर ने कबीर सागर में कहा है कि मेरी महिमा की वाणी बर्म में पंथ के पंथ प्रवर्तक के द्वारा प्रकट की जाएगी। सिमट भेट इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, काजी और पंडित हिंदू और मुसलमान दोनों गेल लाग लिए। गरीब दास चिट्ठा फिरा ये जम्बूदीप सब ठाही, जम्बूदीप भारतवर्ष में पूरे में चिट्ठी डाल दी। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछुनाही, गरीब दास मेला सही ये भेख सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारे, गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। कहाँ कहाँ से, सेतु बंद से, रामेश्वरम से द्वारका से, गिरनार से और मुल्तान आदि सब तरह से, सब साइड से ये साधु संत इकट्ठे होकर आगे चिट्ठी मिलते ही। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदारे, गरीबदास पूरब सजे ना कछु गिनती सुमार।
18 लाख दफ्तर चढ़े है अस्तल बंद मुकाम, गरीब दास अनाथ जीव और केते उस धाम। ओह, अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहब जी, क्योंकि परमेश्वर जी ने उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। जिनका ज्ञान योग खुल जाता है वो पहले की बीती हुई सभी घटना एज इट इज बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो भी क्रिया हो रही हैं ये सबकी एक फिल्म बन जाती है, और ये फिल्म पूरी कभी भी वो देख सकता है। जैसे फिल्म बनाकर रख दी सीडी वर्क है, उसको कभी भी सीडी प्लेयर में चला कर देख सकते हैं जिनका सीडी प्लेयर ठीक हो। तो ऐसे ही गरीब दास जी का सीडी प्लेयर तय कर परमात्मा ने ऑन कर दिया था। उन्होंने जो घटना एज इट इज कबीर जी के साथ बीती थी वह ज्यों की त्यों हजारों सैकड़ों वर्ष पहले की लिख दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले बीती हुई रामायण को पुनर् लिख दिया था, उनका भी ज्ञान योग खुल गया था। इब ज्ञान योग का भी सतर होता है, जैसे एक दूरबीन होती है उसकी रेंज होती है, अक्षमता होती है, तो ऐसे ही दिव्य दृष्टि की भी अक्षमता होती है। इन तीन लोग के संतों की अक्षमता वाली कम होती है, और परमेश्वर से संबंधित जिनकी दूरबीन यानी दिव्य दृष्टि होती है वो ज्यादा अक्षमता की होती है। बज नगारे नौबता तुरही और रण सिंह, गरीब दास झूलन लगे उर्दमुखी बोपींग। एक नखी निर्बाणिया एक खाखी है खूस, गरीब दास पद ना लख्या सब कुटत है तुस्त। बाणी के अंदर कितना ज्ञान भी भरा है कि वहां नाना प्रकार के साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के भेखों वाले आए हुए थे। कोई ऊपर ने पैर करके खड़ा था, कोई एक टांग पर खड़ा था, अपने नृत्य की साधना भी कर रहे थे और भंडारे में भी आए हुए थे। तुस कोटे और भूस भरे ये आए भेक अटम्बे, गरीब दास नहीं बंदगी तप्पी बहुत अरम्ब। भेक देख रहे दास जी गए कबीरा पाश, गरीब दास रे दास कहे अध छुट्या काशी बास। बिहन से बदन कबीर तब सुन रे दास विचारे, गरीब दास जुल्ला कहे लाले धनी ते तार। लातार लौली ने हो रूप विहंग माही, गरीब दास जुल्ला गया अगम पूरी नज ठाही। परमात्मा अपने सतलोक में गए एक रूप में वहां भी बैठे हैं। जहां बोडी संख असंख सूर्य बंजारे और बैले, गरीब दास अवगत पुरी हुई काशी को सैले। जरत से तो हीरे नगे बॉडी भरी अनंत, गरीब दास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। कहते हैं जब परमेश्वर कबीर जी सतलोक में गए और वहां से आदेश दे दिया था कि इतने तैयार कर दो, तो वहां कहते असंख बॉडी असंख बैल तैयार कर लाद कर खड़े कर रखे, अकेले भगवान कबीर जी ले जाओ। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे उसमें से 9 लाख लेकर के भगवान बंजारा रूप बन करके सेवका चल पड़े। ओ खाखी कंजू से पूरी अंजल ना अधिकार, गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सृजनहार। के उस खाखीपुर में उस इस निरंजन के लोक को खाखीपुर यानी खोखा नकली, यहाँ हर चीज का अभाव रहता है इसे लोक में, और वहाँ तो अन्न का ना अधिकार, वहाँ कोई भी चीज पूरी नहीं है। और गरीबदास ऐसे कहा सुन तो सृजनहार, अनंत कोट बालद सजी तास ले 9 लाख। अनंत करोड़ वहां खड़े थे बैल लदे लदाए पूरे सामान के भरे भराए, उनमें से 9 लाख ले ली। अनंत कोट बालद सजी तास ले 9 लाख, गरीब दास के सो कला एक पलक पुर झांक। एक पलक में शतलोक से एक पलक में बनारस में आकर प्रगट हो गए। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीब दास मुक्ता तू ले धन के सो बलि जाऊं।
जिन्ने जनवा तो लत है बूरा ग्रत और दाल, सुक्का सीधा भी दे रहे हैं, खाने वाले खाओ और ले जाने वाले लो, सीधा भी सीधा बोलते हैं। जो जैसे एक घर में एक व्यक्ति, पहले ब्राह्मण लोग आते थे कि हमारे घर में 5 आदमी हैं, एक रोटी खा जाता, चारा का सुक्का सीधा दाल आटा खांड बूरा घी ले जाता था, उसको सुक्का सीधा बोले। परमात्मा कहे जो खावे थे वो तो खावे थे, सुक्का सीधा ले जाने वालों को भी तो बरबर कह दें थे। जिन्नी जनवा तल तुलत है बूरा घर तोर दाल, गरीब दास आटा अटक लेवे मुक्ता माल, मुफत कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेर, गरीब दास नुक्ति निरख जैसे भंडारी कुबेर, बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीब दास मेला सुरुवा जय जय होत कबीर। बिना पकाया पक रहा उड़ा ना कोई चूल्हा ला रख्या ना कितने गैस की भट्ठी, बिना पकाया पक रहा उस परमात्मा के उन टेंटों के अंदर। अब दो किसने देखने की फुर्सत थी, कित बनावे हैं, खाओ और मौज मारो, टेंटा में धान लाग रहा पक्या पका गर्मा गर्म, और वह कूदते फिर बोर असर भी मिल जावे, दौर मिल रहा है, और साथ में फिर सूखा सीधा ले छाती का लाओ और बाज ले कांसी आड़े में भी ठाठ करे। यानी ये वहाँ के लोग भी बहुत आए हुए थे, अनाथ जीव। सकल संप्रदा तिरुपति तीन दिन जो नारे, गरीब दास सट दर्शनम सीधे गंज अपार, सा सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीब दास मेले चलो मम हृदय धर पाऊं जी, कह कबीर सुन साहा तू भेख अलाम गुलाम, गरीब दास कैसे चलू हूं मो गठरी नहीं दाम। अब सिकंदर लो दिन जब जाके कहा प्रभु एक बार मेले में चलो, आपने जय जयकार लगा रखी। परमात्मा बोले भाई क्यों कर चालो, मेरे पास तो पैसे भी को ना। कह कबीर नहीं काशी में सा कोई मोहे उदारा देत, कि बनारस में काशी में कोई भी ऐसा सेठ भी नहीं है मेरा जानकार जो मुझे उधारा दे दे, कैसे भंडारा करूं। नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीब दास ताना तनु जब कुण बे की सुद लेत, मैं तो कपड़ा बुनता हूँ फिर अपना बच्चों का परिवार का जो है रोजी रोटी का धंधा कर रहा हूँ। अब क्या कहता सिकंदर, ए कबीर तुम अल्लाह हो, पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोड़ कर ऐसे कहता साहा। सा माने सा सिकंदर, सेठ महाराजा सिकंदर बोल रहा है कि ए कबीर तुम अल्लाह हो, तू तो पल में के तक के कर दे, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूपे। अब उन शेख तकी पीरा ते तब वो सिकंदर लो दिया था जो भगवान को कुछ पहचान तो गया, कहते हैं तुम दयाल दरवेश हो, तुम तो भगवान ही हो और दयालु संत बनकर आप ही आए हो, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूपे, गरीब दास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूपे, उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीब दास मेले चले चंवर करत रह दास। जब परमात्मा उठे झोंपड़ी से बाहर आए वो आकाश से फूल बरसने लगे कबीर भगवान के ऊपर। तीन एक चंडोल में रह दास सा कबीर, गरीब दास चोरा करे है बादशाह बलबीर, केसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीने। केसो कबीर जी के पास दो दूसरे रूप में भगवान विराजमान थे, कहने लगे है कबीर जी आपने क्यों कष्ट किया, आपका दास तो यहाँ पर बैठा था। केसो कहे कबीर से कबीर कष्ट क्यों कीने, गरीब दास हस्त आथी चढ़े ये मेला देखन तीन, पाट पटंबर बिछ गए चौपड़ के बाजार फेरे आए के सो पास, गरीब दास कुर्बान गति ही क्या क्या कहूं बिलास। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीब दास साहेब दनी लाए मुक्ता माल,
अब वहाँ जो परमात्मा का तख्त अपने आप बिछा, चारों तरफ उसका जो है ना सफ़ेद चद्दर बिछ गई गद्दे के ऊपर, और फिर उसके चारों तरफ हीरे पन्ने जवाहरातों के, नो जिस तरह सितारे लाया करते पहले कपड़ों के, ऐसे चारों तरफ हीरे मोती अपने आप चिपक गए। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब धनी ये लाए मुक्ता माल, केसो और कबीरे का तंबू माहे मिलाप, गरीबदास आठ पहर लगे गोष्ठी निज गर गाप, आठ पहर 24 घंटे तक केसो प्रश्न करता है कबीर जी से, पूछता है, कबीर जी उत्तर देते हैं। एक कभी तो अपने आप को छुपाते हैं और कभी अपनी वास्तविकता भी बताते हैं। केसो कह कबीर से पूछे बाता भी नहीं, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। अब केसो रूप में केसो कहता है परमेश्वर कबीर जी से कि हे परमेश्वर, इसे गंदे लोक में क्यों आए आप इनका भला चाहो और ये आपका लठ मारे, डले मारे, गुंडा कहें आपको मारना चाहे, इसे गंदे मलिन लोक में क्यों उतरे आए तुम, इसे सुंदर लोक न छोड़ के सतलोक ने।